शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया? आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए, और किस किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया उनको? आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते, आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। एक औरत होने के नाते मैं बहुत आहत हूं और मुझे लगता है इस देश की हर और आहत होगी। ये क्या शब्द का प्रयोग है? ये सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग है? असलियत यह है कि संविधान बदलने की और खत्म करने की साजिश आप आज से नहीं, आपके पुरखे सालों से रच रहे हैं। असलियत यह है कि इस देश को समझ में आ गया कि आप आरक्षण विरोधी हैं, और आप ही नहीं, आपके गुरु गोलवालकर, आपके मनमोहन वैद्य, आपके मोहन भागवत, सबने आरक्षण की बार बार विरोध किया है। और आपको जब यह समझ में आ गया कि देश की जनता यह समझ चुकी है, देश की जनता छिटक चुकी है, आप झूठ बोलिएगा, आप झूठ भी बोलिए, लेकिन मर्यादा की एक सीमा होती है। ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपाओं से माफी मांगनी चाहिए। मुजरे शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है,